आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला, व्यापम का घोटाला, इसके सामने कुछ भी नहीं है। 100 फीट की हाइट पे टावर पे चढ़ के आंदोलन किए, 12 लाख प्रति टावर तथा 3,000 रुपए प्रति मीटर तार का निर्धारित किया गया। निमंत्रण में गया हुआ था प्रतिबंध में और मेरे को चौकी प्रभारी महोदय द्वारा बुलाया गया कि आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद दिल्ली आंदोलन का नाम लेकर और मुझे 151 लगाकर जेल भेज। किसानों के अंदर जागरूकता का अभाव है जिसके चलते हर कोई उनका शोषण कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है किसानों के खेत में लगे ये टावर। टावर लगाने वाली कंपनियों ने किसानों के साथ कैसे अन्याय किया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है अमित गौतम, जो किसानों की मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। टावर का क्या मुद्दा है, किस लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, विकास के नाम पर यहाँ पर पूरे जिले में 20-22 विद्युत पारेषण लाइन, जिनको हाई टेंशन टावर लाइन भी कह सकते हैं, 132 के वी से लेकर 765 के वी तक की पावर ग्रिड सहित अन्य कंपनियों की भी एक आध लाइनें हैं, जेपी पावर की है और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की है। इसमें निर्माण की जब ये रूपरेखा बनाते हैं तभी अधिकारियों, यहाँ के नेताओं तथा संबंधित कंपनियों का एक गठबंधन हो जाता है। शुरुआत होती है आम सूचना से, जो पेपरों में जारी की जाती है। उसमें यह निकाला जाता है आम सूचना में कि विद्युत तार अधिनियम 1885 की धारा 10D के तहत कार्य किया जाएगा, जिसमें केवल फसल क्षतिपूर्ति दिए जाने का नियम है। फसल क्षतिपूर्ति यानी जहाँ पे टावर खड़ा हो रहा है जी, वहाँ पे जो फसल का नुकसान टावर गाड़ते वक्त होता है वो फसल क्षतिपूर्ति। हाँ, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि विद्युत तार अधिनियम 1885 की धारा 16 यह कहती है कि संपूर्ण क्षति का निर्धारण कलेक्टर करें। संपूर्ण क्षति में संपत्ति, परिसंपत्ति जिसमें भवन, कूप, बोरवेल, साथ साथ जो जमीन की क्षति होती है, जैसे 765 किलोवाट की लाइन में 67 मीटर का दोनों तरफ का एरिया प्रभावित माना जाता है। और वहां पर बाकायदा लाइन बनाने के उपरांत इन्होंने एक आम सूचना जारी करते हैं जिसमें स्पष्ट करते हैं कि किसान यहां पर कोई निर्माण कार्य न करे और साथ साथ पशुओं को भी अपने न बांधे। और इस तरीके से एक तरीके से अधिग्रहित ही हो गई किसानों की जमीन हमेशा। यही है कि पूरे जिले में किसानों की जमीनों पर टावर लाइनें तो बना दी गई, लेकिन उनकी संपत्ति और परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हुई। नियम होते हुए एक भी रुपया नहीं दिया गया, नहीं, कुछ जिनको, कुछ किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के नाम पर जो क्षति हुई थी फसल की निर्माण के दौरान वो दी गई 10,000-20,000। उसके अलावा जो परिसंपत्तियों का है, जमीन का, हाँ, पैसा नहीं, नहीं मिला। ठीक है, लिए आपने क्या लड़ाई लड़ी और इसके लिए सरकार की तरफ से इसके लिए हम लोगों ने एक बृहत आंदोलन चलाया, जिसमें तत्कालीन 2015 में जो कलेक्टर थे संतोष मिश्रा जी, उन्होंने हाई कोर्ट के निर्देश पर एक 20 जून 2015 को बैठक ली, जिसमें 12 लाख प्रति टावर तथा 3,000 रुपए प्रति मीटर तार का निर्धारित किया गया। इसके अलावा मुकेश शुक्ला जी कलेक्टर साहब का परिसंपत्ति के मूल्यांकन हेतु, जैसे किसी टावर लाइन के नीचे भवन या की कूप बोरवेल फंस रहे हैं वो भी उपयोगहीन हो जाते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक आदेश जारी किया था। लेकिन कुछ किसानों को देकर जिले के 98% किसान आज भी अधिकारों से वंचित हैं। इससे तो वो कलेक्टर न्यायालय में दावा भी किए, दावा में भी आदेश हुआ माननीय कलेक्टर साहब कटेसरिया जी के द्वारा, फिर से कंपनी उलझाने के लिए फिर से हाई कोर्ट चली गई, जबकि हाई कोर्ट ने ही, तो कलेक्टर ने क्या निर्धारण किया था कि 12 लाख रुपए प्रति टावर मिलेगा उस तार के अंदर, 3,000 रुपए प्रति मीटर जितनी मीटर लंबाई होगी। हाँ। किसान तो कंपनी ने इसके विरोध में फिर से हाई कोर्ट में अपील करी। नहीं, एक आदेश तो 15 में ही हो चुका था जिसको दबा दिया गया था, उसकी कॉपी मेरे पास है, उस पर कोई स्टे नहीं है। अभी 21 में कलेक्टर न्यायालय में दावा किया गया कि हमारी जमीन पे टावर लाइन बना दी गई है और मुआवजा हमें नहीं दिया गया। उसमें कटेसरिया साहब कलेक्टर
साहब थे, उन्होंने भी आर्डर किया कि किसान की मांग सर्वथा उचित है और एक माह के अंदर अनुविभागीय अधिकारी चेहरा इस आदेश का परिपालन कराएं। एक माह जब परिपालन नहीं हुआ तो किसान व्यथित होकर आवेदन दिया कि मेरा एक माह बाद परिपालन नहीं हो रहा। आवेदन देने के बाद टावर में भी बेचारा दो तीन बार चढ़ा, उसके ऊपर FIR भी हुई और 6-5 माह बाद पावर ग्रिड कंपनी फिर से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाकर स्टे ले ली, जिसकी फाइनल हियरिंग में केस लगा हुआ है और ये तो उलझाने का मामला है, जबकि ऑलरेडी कलेक्टर साहब ने जो है संतोष मिश्रा जी ने हाई कोर्ट के निर्देश पर ही ये गाइडलाइन बनाई थी। तो कलेक्टर ने ये निर्धारित कर दिया कि 12 लाख रुपए मिलेंगे और 3,000 रुपए प्रति मीटर। हाँ, अभी जो आदेश हुआ 21 में कलेक्टर न्यायालय द्वारा एक रामनाथ कौर के नाम पर, उसमें तो ये भी है कि मैं ब्याज की तो 12 नहीं हो 24 कहलाएगा, वो ब्याज सहित पैसा। हाँ, तो 15 का पैसा आज तो 24 हो जाता है 9 साल बाद, कुछ किसानों को 15 में ही भुगतान किया भी गया। तो इसमें जब आदेश आएगा तो उसमें जो किसानों ने जिनने अपील करी है उनका है या कि फिर सबको फायदा होगा जिनके ऊपर 2/9/2015 को कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें जिले के 2 वरिष्ठ डिप्टी कलेक्टर और 3 पावर ग्रिड के जिम्मेदार अधिकारी थे। उसमें यह तय हुआ था कि अमरपाटन मैहर उचेरा नागौर तहसील के समस्त प्रभावित किसानों को जिनको 12 लाख की दर पूरी नहीं दी गई है उनको गांव-गांव कैंप लगाकर पूरा किया जाए तथा जिनको अधिक दिया गया उनकी वसूली की जाए। उस आदेश का परिपालन भी संबंधित कंपनी ने किया, जिनको 12 से ऊपर राशि दी गई थी उनको रिकवरी के लिए नोटिस दिए, बशर्ते जिनको पूरा नहीं किया था, जिन किसानों को आज तक किसान दर दर भटक रहा। आपको क्या लगता है कि ये जो किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया इसके पीछे की वजह क्या रही? इसके पीछे की वजह एक तो किसानों में ज्ञान का अभाव, दूसरी चीज गांव में जो एक दली भावना बन जाती कि वो बीजेपी का वो कांग्रेस का, और जबकि दोनों दलों के नेता इसमें मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, किसी भी विधायक या किसी सांसद ने हिम्मत नहीं की इनके खिलाफ कुछ बोलने की, कारण क्या है ये मैं नहीं बता सकता। और साथ साथ इनका जो एक मजबूत गठबंधन आवाज दबाने का कारण, हम अगर आवाज उठाने जा रहे हैं तो आवाज दबा दी जाएगी, केस कर दिए जाएंगे, मुकदमे कर दिए जाएंगे। मैं स्वयं ही उससे पीड़ित हूँ, आज तक मेरे ऊपर कोई भी मुकदमे नहीं थे। 2 मुकदमे मेरे ऊपर, एक यही नागौर थाने में 353-332 शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कर्मचारी से मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाकर, जिसमें माननीय न्यायालय ने मुझे एक मामले पर 2 साल की सजा भी सुनाई है, जिसमें माननीय ADJ साहब के यहाँ मैं अपील पर हूँ। दूसरा केस हमारा भी ट्रायल में चल रहा है जो रामनगर में मेरे विरुद्ध किया गया, वो भी 353-332-506 का है। और अभी तीसरा मामला 13 तारीख को मेरे साथ हुआ, मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ निमंत्रण में गया हुआ था प्रतिबंध में, और मेरे को चौकी प्रभारी महोदय द्वारा बुलाया गया कि आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद दिल्ली आंदोलन का नाम लेकर और मुझे 151 लगाकर जेल भेज दिया गया। तो अब आप डर जाएंगे या आप अपने आंदोलन को? डरने का तो सवाल ही नहीं, मैं यहाँ से 500 लोगों को लेके पदयात्रा जो हमारी 16 अप्रैल से शुरू हुई थी और 3 मई को भोपाल में जाके खत्म हुई थी, 500 किसान मई की गर्मी में चिलचिलाती धूप में हम लोग बगीचे खेतों में जहाँ रात हो जाती वहीं भूखे प्यासे सो जाते, और मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला है। हर मामले पर 1% में घोटाला हुआ है, इसमें तो 100% घोटाला हुआ है और व्यापम का घोटाला इसके सामने कुछ भी नहीं। मैं जिले के किसानों की बात करता हूँ तो करीब यहाँ पर 5,000 करोड़ जिले के किसानों का ये कंपनियाँ दबा गई हैं, और किसान भी अलग अलग गांव में हैं, एक गांव में 5 किसान प्रभावित हैं, फिर अगले गांव में 5 किसान प्रभावित हैं, तो उतना बड़ा मूवमेंट बन भी नहीं पाता। फिर भी पिछले साल 50-55 किसान जिसमें रिटायर्ड
पुलिस अधिकारी तक थे, 100 फीट की हाइट पे टावर पे चढ़ के आंदोलन किए। उस समय तत्कालीन सांसद, अभी जो वर्तमान सांसद हैं, गणेश सिंह जी के द्वारा बयान आया कि ऊर्जा मंत्री ने आदेश किया शीघ्र होगा भुगतान। इसके बाद कोई भुगतान की प्रक्रिया चालू नहीं हुई। 2019 में हम लोगों ने भूख हड़ताल की थी कलेक्ट्रेट में, तब भी सांसद जी आए थे, जूस पिलवाकर जिम्मेदारी ली थी कि हम भुगतान कराएंगे। आज तक कोई भुगतान की प्रक्रिया नहीं, और दबाने के लिए सहयोग किया जाता है। ये आपने सुना अमित गौतम जी को, जो लगातार टावर से जुड़े हुए जो घोटाले हुए हैं उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।